Good morning, my YouTube fam. Hello everyone. Good morning. मैं लेट हो गई. वैसे मेरे को सुबह 6 बजे उठना था. मेरा अलार्म भी हो जाता बट आँख नहीं खुली क्योंकि मैं 2:30 सोई थी. और मेको सो सॉरी, यॉर्निंग आ रही है अभी भी. और अब फटाफट मैं उठ गई हूँ. मेरे को ब्रश करनी है, नहाना है, फिर शिवरात्रि के लिए रेडी होना है, मंदिर जाना है. तो मिलती हूँ मैं आपसे नहा धो के. फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ एंड अब रेडी होने लगी हूँ बस शिवरात्रि के लिए. मैं बहुत खुश हूँ यार. मतलब कल रात से ना मेरे को नींद इसलिए नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि आज शिवरात्रि है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मेरे दिल को बहुत सुकून है, पता नहीं क्यों है बट बहुत ज़्यादा सुकून है. और मुझे पता है मंदिरों में बहुत भीड़ होने वाली है तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ. तो मैं हो चुकी हूँ रेडी फॉर शिवरात्रि. हर हर महादेव. अभी तक भी हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि बैंक वाले लोग आ गए हैं, पर बस निकलने वाले हैं, सब रेडी हो गया है और हम जा रहे हैं मंदिर. मेरे दिल को खुशी इतनी ज़्यादा. और मैंने वैसे पूजा कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ. अभी रुको, देखो तो मैं पूजा कर चुकी हूँ वैसे मंदिर में. मैंने शिव जी को भी नहला दिया, मैंने केदारनाथ जी को भी नहला दिया, अच्छे से तैयार करा दिया मैंने इनको. और अब हम जाएंगे मंदिर, पता नहीं कब जाएंगे. वेट करना पड़ता है ना, 10 बजे से तैयार होकर बैठी हुई हूँ मैं, तब से वेट कर रही हूँ. और ये उठ गई हैं मैडम, चाय पी रही हैं सवेरे सवेरे. ये नहीं जाके नहा ले, तैयार हो जाए, मंदिर जाना है बस. तो आप लोग ऐसे होता है. और मेरे को इतने पेट में इतनी तेज़ गुड़ गुड़ हो रही है ना, मेरे को लगा था चल मैं मंदिर जाऊँगी जल्दी, फिर बनाना है शेक या कुछ पी लूँगी क्योंकि खाना तो है नहीं कुछ. लेंगे बस चल रहे हैं थोड़े में. पेट में गुड़ गुड़ हो रही है. कोई ना, भूखा रहना भी सीख अच्छा होता है, भूखा रहना. मम्मी मेरे को जिम भी जाना होता है इसलिए भूखी नहीं रह सकती मैं. क्यों ना जाऊँ मैं जिम, जिम थोड़ी मिस कर दूंगी. जिम मत जाओ, वो अच्छे हैं. आप बड़ी मम्मी को फोन कर रही थी. अभी मम्मी का फोन नहीं मिला, मैं कपड़े सुखा दूँ अपने. और आप फिर से छोड़ के जा रही हो ना घर को अकेले, आपको शर्म तो है नहीं? घूमती जा रही हो, घूमती जा रही हो, घर पे पैर ना टिक रहे थारे. अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, अपनी माँ के पास. तो अपनी माँ, हमारी भी तो माँ हो ना, हमारी माँ ना हो तुम? मैं बेटी पहले हूँ, माँ बाद में हूँ. ओह माय गॉड. और जब मैं बोलती हूँ मैं बेटी पहले हूँ और बहन बाद में हूँ, तब न तब तो ना समझ आती. मैं बेटी हूँ पहले. दिखाइयो, सुतरी सी लग रही है, सुतरी सी. मम्मी थाली लेते हुए, और ये मेरी बहन लोटा दिखा रही, कह रही मैं भी पुजारन हूँ. और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और हम पहुँचने वाले हैं. और मैं तो ये रही. और फिर हम मंदिर पहुँच गए थे और मैंने शिवलिंग की पूजा कर ली थी, तो मैं आशीर्वाद ले रही थी. और उसके बाद मेरे को पता नहीं था, वो रिकॉर्ड कर रही और मैं पूजा कर रही थी और ओम नमः शिवाय बोल रही थी. उसके बाद मैंने जल चढ़ा दिया था सारे भगवान जी को, फिर शिवलिंग को. और जल चढ़ा के फिर हम वापस बस घर की ओर निकल गए. कैसे थे? बिंदास मस्त. भगवान जी के दर्शन हुए, खाली लैंग्वेज बोलने की, अच्छे दर्शन हुए. हाँ गुड, बहुत अच्छे दर्शन हुए. और अब हम कहाँ आए हैं? अब हम आए हैं पार्क. हम लोगों के दर्शन हो गए अच्छे से, हम दिख ही नहीं रहे. हम लोगों ने फोटो सेशन भी कर लिया और हम लोगों ने मंदिर के दर्शन भी कर लिए. और ये कहाँ जा रही, तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं अभी तो फिलहाल, तो मेरे से रिक्लाइनर्स की पूछ रही है मूवी देखने. हाँ देखा, सच निकल गया ना. और मम्मी हम जा रहे हैं घर, हम जा रहे हैं घर. तो मम्मी बनी व्लॉगर का पार्ट 2 जल्दी आएगा क्योंकि जब मैं नहीं कर पाऊंगी तो ये शूट करेंगी. नहीं शूट करना सिखा, क्यों नहीं करूँगी, यही काम करूँगी. मम्मी बनी व्लॉगर अच्छा नहीं है. मम्मी का व्लॉग चैनल खोल दूँ क्या गाइस? जल्दी जल्दी कमेंट से बताओ, क्या मेरी मम्मी को व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? और अब करनी चाहिए, खुद ही बोल रही है. और अब घर जाके मिलते हैं. अब खाएंगे थोड़ा, खाएंगे नहीं सॉरी, पियेंगे थोड़ा बनाना शेक, बना के पीऊँगी, इन्हें भी खिलाऊँगी. और फिर हम घर के नीचे पहुंच गए थे गली में. तो मैं ये सब हरकतें कर रही थी, वीडियो बनवा रही थी अपनी, क्योंकि मेरे को मैं बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में, मम्मी की साड़ी है. तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट ही करा लेते हैं. खाएंगे, मैं जा रही हूँ घर से बाहर. क्योंकि इस लड़की को खाना नहीं मिला, बेचारी रो पड़ी, इसको खाना नहीं मिला और ये यहाँ पे बैठ के आराम से ठूस रही है. क्या ठूस रही है? खजूर. ये दुबई की खजूर ही खत्म करती रहती है, पूरी दुनिया भर के खजूर इन्होंने. मेरी बहन रुला दी, इन्होंने मेरी बहन रुला दी.
बहन रुला दी उन्होंने मेरी, बेचारी रो पड़ी। उसे भंडारे का खाना नहीं मिला क्योंकि भंडारे के खाने में मटर पनीर था, ऑरेंज वाला हलवा था और पूरिया थी, इसका बहुत मन था। और जैसे ही गए भंडारा लेने तो ख़त्म हो गया था और वो बर्तन साफ कर रहा था तो ये रो पड़ी मेरे लिए, खाना नहीं लेके आ पाए तुम लोग, रोज पेठा भिंडी खिला। दो दिन से आपने रसीली सब्जी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पेठा इज वेरी टेस्टी। तो भिंडी भरता? बैंगन भरता अच्छा नहीं है? रसीली तो नहीं है ना कुछ? ये ड्रामा चलता रहता है गाइस, देख लो। और ये देखो मटर जमा रखी है, मटर पनीर बना लेती, आलू मटर बना लेती। बताओ क्यों नहीं बनाई? आलू टमाटर नहीं बनाया? अब तुझे चलना है? नहीं चलना, चल रहे नहीं कर रहे, मैं रेडी, मैं चेंज कर लूं कुछ और रसीली सब्जी होती तो चल रही खा ले, केले खा ले, मेरा व्रत है, इसी चक्कर में व्रत नहीं रखा मैंने, मुझे नहीं खाने फ्रूट्स। अरे मैं बना दूंगी, चल आज अरे बना दूंगी सब्जी, वो बना दूंगी पनीर मखनी और रोटी, तो पनीर मखनी जल्दी बन जाती है। गाइस इन लोगों ने दिमाग खराब है, देखो ची 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 होती रहती है बस। हे गाइस अब हम मॉल आ गए क्योंकि इसको खाना खाना, तो जैसा कि मैंने बोला ये रो पड़ी थी और उसके बाद मेरे को गिफ्ट लेना है छोटू बेबी के लिए, तो हम वो लेंगे और फिर हम दिखाते हैं। और ये देखो इसे, इसे कैमरा पकड़ना नहीं आता, वो मेरा ब्लॉग बनाना नहीं आती है, वीडियो बनानी, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। और ये मैडम गिफ्ट पैक करवा रही है, सॉरी। और हम आ गए हैं हैमलेस। सोना हाँ, मुझे ना घबराहट हो रही है, पहली बार ऐसे किसी के घर जा रही हूँ उस बेबी के बर्थडे पे। कोई बात नहीं, तेरे बेबी इसके बर्थडे पे भी गिफ्ट आएंगे। मम्मी पापा पता नहीं क्या सोचते हैं। ये ना मेरा फेवरेट कॉर्नर है, वो बात अलग है कि मेरे को इसमें से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, मतलब आई लाइक आइस ब्रेकर्स, आई लाइक बबल गम एंड ये सब मैं खाती नहीं हूँ, बट हाँ ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। और हम इधर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ, अब मैं बिल्कुल सॉटी लग रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? चले अब हम हो गए, अब खाने, इस मैडम को भूख लगी थी और ये देख रही है मेरे को, एंड वी आर एट ओ फक, मैं गिरते गिरते बच गई। गैस करो हम कहाँ पर आए हैं। एनी विच वेस अभी हमें H&M भी जाना है ट्रायल के लिए, और ये चले जा रही है और मैं इसको फॉलो करते हुए, और मेरे हाथ में बैग गया तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। कुर्ती बनाई है क्योंकि मैडम आना नहीं चाह रही थी, एंड दिस इज़ अ होल लुक, माय होल लुक जो या। और अभी मिलते हैं, फिर यहाँ पे कपड़े देख रही है, कुछ तो लेगी पता नहीं, वैसे लेगी भी नहीं है, है तो साली कंजूस। ठंड चली गई आशी, ठंड के सेक्शन में क्यों घूम रही है तू? भाई बहुत इरिटेटिंग है, इसको कुछ नहीं देख ही सकता है, वैसे तो फूड हॉल बहुत खाली पड़ा हुआ है और वो वहाँ घूम रही है, ऐसे दिख रहा होगा आपको अच्छे दूर से। पहले ढूंढ रही थी खाने में क्या खाऊं और फिर वहाँ जाके बीकानेर वाला पे रुक गई है। और वैसे तो ये सब घर पे भी मंगा के खा सकती थी, बट मैडम को चुल इतनी है ना पैन की सिरी कि मैम को मॉल आके खाना था, कि मैं मॉल जाके खाऊंगी, एज इफ इसे यहाँ पे वेट ही नहीं करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं एनीवेज वेज। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी आ गई है, मैं तो कह रही हूँ आप सबसे भी अपने गर्मियों के कपड़े निकालो। एंड बाय द वे हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन, टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। इतनी सारी चॉइसेस होती है ना खाने की, अब जैसे मैं ऑर्डर करके आ गई, अब मेरा मन कर रहा है क्या यार क्यों ऑर्डर करा, मैं बर्गर ही खा लेती। मैंने तो बोला कि इतना सब घुमा के भी आई क्या बीकानेर वाला खाने, यार वही तो इतनी सारी चॉइसेस ना मत लेके आया करो मुझे। सेम हैपेंस विद स्विगी एंड Zomato बॉयज आल्सो है ना। चल सीए भगचौदी करवाने बेटी, हाँ भी कर रही है, पर आना था मैम को मॉल में। ये कौन केस करेगा मुझ पे? आंटी जो तो कह रही है, आंटी मुझे घूर घूर के देख रही है, मैं उसे ब्लॉग में ले लेती हूँ, करी हूँ एक बार कैमरा उधर भाई वो भाई वो जो साइड में आंटी बैठी हुई ना, वो मेरे को ना ऐसे घूर घूर के देख रही है, ऐसे घूर घूर के देख रही है जैसे ना उसको खा जाएगी पकड़ के, पर
क्या कर सकते मेरे को दिखा रहा है, मैंने आपको फटाफट से दिखा दिया, मैं किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकती, यू नो। आंटी अंगड़ाई ले रही है, भूख लग रही है यार बहुत तेज। मेरे को तो नहीं लग रही, मैंने तो सुबह से सिर्फ बनाना शेक ही पिया है। भाई कैसे पुच्चियाँ दी जा रही है, मुँह कर रही है ऐसे, बताओ मैंने कह रहा है ऐसे ऐसे वाला। बुक्कड़ को देखो, बुक्कड़ का खाना आ गया, बुक्कड़ खाना खा रही है। और एक हमें देख लो, हम तो वर्ती है, हमने तो ना लग रही भूख, हम तो ना खा रहे कुछ। ओ नजर, हमें तो नहीं लग रही भूख, आपको लग रही? जिसको भी खाना खाने का मन हो ये देख लो, पनीर कुलचे, दाल मखनी, रायता, और यहाँ पे सलाद है, सलाद। ये छोटा सा वो लगा हुआ है, क्या बोलते होते हैं इसे, बाजार, या लाइक नॉट हापुड़ बाजार, बट क्या बाजार, लाइक ज्वेलरी थिंग्स एंड ऑल दिस। और ये फिर से देखेगी, अब ये दोबारा देखिए, तो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होता जाएगा, है ना यार। मुझे थैंक यू, मैं कल ग्रीन, मैंने सही कहा था ना कि शी इज़ वेरी कंजूस। सो गाइस सी दे ऑल हैव सच ब्यूटीफुल कलेक्शन, अच्छा वुमेन्स डे के चक्कर में लगा होगा ये, बट एनी विच वेज नाउ वी आर हेडिंग टू प्रोमेनाड। अरे मोटी चलते हुए, मोटी जा रही है, मैं भी मोटी हूँ, ऐसे दो नहीं है, बट हम आ गए, हम मेन सेक्शन में, हम नीचे जाएंगे। ओके गाइस, तो मैं दिखाती हूँ कि मैडम पैदल नहीं चल सकती। ओ प्लीज, स्ट्रेस का थी, एंड दिस इज हाउ वी लुक। भाई इसमें कितना अजीब सा लग रहा है, वैसे फैले फैले से कितनी गंदी लिफ्ट है, अच्छी नहीं है भाई, इस लिफ्ट में मत आया करो आप लोग। और अब हम बाहर निकलेंगे और हम पहुंचेंगे कहाँ, वुमेन सेक्शन फाइनली। सो वी सेड द वुमेन सेक्शन गाइस, तो हमने फाइनली शॉपिंग कर ली है ज़ारा से, एंड ये आगे आगे चल रही है, क्योंकि पता नहीं अपने आप को तो क्या ही समझती है, पर ठीक है। एंड वी आर गोइंग होम बिकॉज वी आर डन फॉर द डे। वो एंड मोमेंट पे ये हुआ कि एक लड़का मेरे को देख रहा था जब मैं ब्लॉग बना रही थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, तो मेरे फोर एकदम से ऐसे नीचे रख दिया, और इसने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया फुहारे के नीचे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, बहुत पानी बह रहा है फुहारा। बट और मेरा बैग छोड़ दिया आपने मैम, वाओ। एंड इसने मेरा बैग यहीं पे छोड़ दिया, देख लो, ऐसे तो लोग होते हैं कि बैग छोड़ के चले जाते हैं, एंड ऐसी लग रही हूँ मैं। और ये देखो इसको, इसको कोई मतलब ही नहीं है भाई दीन दुनिया से, मैंने अच्छी फोटोज खींची हैं, सारी फोटो में कुर्ता उड़ गया, तो अब वो मैं नहीं देखूंगी ना, कुर्ता उड़ गया हवा से, तोड़ेगा ही कुर्ता, मेरी गलती क्या है इसमें। और मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, गाइस मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर, क्योंकि मैंने हील्स पहनी थी। पर वो लड़का, वो कोई बहुत फेमस लड़का था, और उसने मुझे जिस तरीके से लुक दी ना, और वो जिस तरीके से हंसा पहन दी थी, मेरे को अभी तक हंसी आ रही है, मुझे शर्म आ रही है भाई, मतलब बहुत शर्मिंदा से हो गई। और मेरी बुक्स है कहाँ, वो गायब हो गई हैं। अच्छा ये क्या बोले तू मुझे, चल खुश हूँ क्योंकि मेरे को किताबें मिल गई, मेरे को पढ़नी थी ये बहुत टाइम से, एंड फाइनली आई रीड देम नाउ। और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि मेरा फास्ट है, और मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने सिर्फ बनाना शेक लिया था। और ये मेरी बहन बार्गेनिंग करते हुए बार्गेन कर रही है, हम गाड़ी से नहीं आए आज, क्योंकि आशी बार्गेनिंग नहीं कर पाई तू भाई 100 रुपये मांग रहे हैं यहाँ से, 20 आईपुर बोलना, बहुत बार गेमिंग चल रही है, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, अब क्या मुंह बना के बैठ गई, अगर अब बोल लेना अब की ना बोल रही, कुछ स्किन है इसकी, कुछ भी B6 कहने लग रही है, वहाँ जा रहा है मैं हमायपुर, तेरे B6 अब हसी लग रही है, देख लो उसने भैया भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भैया, वही तो देखो मैं कह तो रही हूँ ना, लोगों को रास्ते नहीं बताने आते, तभी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो पर भैया 80 रुपए में ही लेके जा रहे हैं हमें, क्योंकि कर नहीं पाई 70 रुपए वाला कंपाइलेशन, अब दिखा रहा अपनी शक्ल भी मैं दिखाती, अब कह रही है ओ थैंक यू, क्या बोल, जैसा कि मैंने कहा था मुझे कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो हम कॉफ़ी पीने आ गए थे, गेस करो कहाँ पे, ऑफकोर्स 6 degrees पे आ गए थे हम, फिर हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, और फिर ये कॉफ़ी आ गई थी, क्योंकि इसको भी पीनी थी और मुझे भी पीनी थी।
उसके बाद कॉफ़ी आ गई थी, मैंने चुस्की लेके कॉफ़ी भी, पर इतनी ठंडी थी कि मेरे को झंझनाहट हो गई। घर आ चुकी हूँ मैं, एंड आज के लिए आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा।